हेलो माय ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे परमानेंट स्लाइड कैसे बनाते हैं। परमानेंट स्लाइड में बेसिक हम किसी भी इंसेक्ट का विंग या पूरा इंसेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, माउंटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी बटरफ्लाई के विंग को स्टेन करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम बटरफ्लाई के विंग को रिमूव करेंगे, ठीक है, और पेट्री डिश में रखेंगे और उसको हम डिस्टिल वाटर के साथ उसको क्या करेंगे, धुलेंगे। जैसे देखिए इस वीडियो में दिख रहा है ना, जो ऊपर का जो वैक्स होता है और बाकी सारा पार्ट्स वो क्या होगा, डिस्टिल वाटर को धुलने से रिमूव हो जाएगा। तो आइए देखते हैं प्रोसेस क्या क्या है। सबसे पहले मटेरियल को हमने कट किया, ठीक है, फिर अब डिहाइड्रेशन करेंगे। सबसे पहले 30% अल्कोहल में हम डालेंगे, 5 मिनट के लिए रखेंगे, फिर 50% अल्कोहल में डालेंगे 5 मिनट के लिए, 70% अल्कोहल में डालेंगे 5 मिनट के लिए, फिर योसिन स्टेन करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर अब हम 90% अल्कोहल में डिप करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास 100% अल्कोहल नहीं है तो आप एसीटोन यूज़ कर सकते हो उसके प्लेस पे, ठीक है। और लास्ट में हम माउंटेनिंग के लिए कनाडा बार से यूज़ करते हैं, ठीक है। इतना सारा आपको मटेरियल रिक्वायर होगा किसी भी एक परमानेंट स्लाइड को बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर मॉस्किटो का परमानेंट स्लाइड बनाया है तो उसको लास्ट में कनाडा बार से माउंटिंग करके देखिए माइक्रोस्कोप में, इतना क्लियरली उसकी पूरी अच्छे से विंग दिख रही है, स्टेन हो गई है, उसके जो माउथ के पार्ट्स है वो दिख रहे हैं क्लियरली। तो परमानेंट माउंटिंग बनाना बहुत ही इजी है, ठीक है, क्लियरली है। बस आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि हर एक मटेरियल को अल्कोहल में 5 मिनट के लिए डीप करके रखना पड़ता है, ठीक है। और फिर देख लीजिए लास्ट में अगर क्या होता है, अगर हमारा अच्छे से नहीं आता है माउंटिंग तो फिर से हमको दोबारा से वो लास्ट में करना पड़ेगा। और हम लास्ट में किससे करते हैं, कनाडा बार से माउंटिंग करते हैं। ये हमारा फ्लो चार्ट है।